नमस्कार, आईबीएन भारत के स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कांग्रेस को खूब लताड़ा और गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी पर हमला करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस नेता हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हो या फिर तब के प्रधानमंत्री। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़ कर फेंक दिया था, छोड़ दिया। मगर इधर इंसल्ट, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंसल्ट वो कानून के ऊपर, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में जब प्रधानमंत्री के नाते गए थे उस समय उनके द्वारा पास किया गया अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके फेंका कूड़े में। वाई डस ही चूज टू इंसल्ट एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा जो हाउस में होता है वो खत्म होने के बाद भी उसी विषय के ऊपर चर्चा करना और उसी विषय को कुछ बहाने बात बोलते रहना कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड अथॉरिटीज, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग, छोड़ दिया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मेरा अंतिम पॉइंट है जो वे फेक नैरेटिव बना रहे हैं, मुझे याद है कि वे कोरोना के दौरान क्या बोल रहे थे। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जब बॉर्डर पर कुछ क्राइसिस होता है तो सरकार से बात ना करके उनके दूतावास से बात करते हैं, कभी भी भारत पर भरोसा ना कर बाहर के लोगों पर भरोसा करते हैं। ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ मिलते हैं, संवैधानिक रूप से चुने गए लोगों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना और फिर माफी मांग लेना, मुझे लगता है कि वो भारत के डूम्सडे मैन बनते जा रहे हैं। एमओयू करके जब देश का कुछ बॉर्डर में क्राइसिस होता है तब हमसे ना बात करते हुए, सरकार से, हम छोड़ो सरकार से ना बात करते हुए उनके दूतावास से बात करके क्या हो रही है बॉर्डर में, करने वाले और कभी भी भारत देश का भरोसा ना करते हुए बाकी सबको भरोसा करने वाले और ज्वाइनिंग द ब्रेकिंग इंडिया फ्रिंज ग्रुप, एक वरिष्ठ सीनियर वरिष्ठ पार्टी के नेता एक फ्रिंज ग्रुप के साथ ही बार बार पॉलिटिक्स करना, टुकड़े और भयंकर अब्यूज, टोटल अनएक्सेप्टेबल टर्मिनोलॉजी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हेड्स उपयोग करते रहना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कटाक्ष होने के बाद अपॉलोजाइज करना, मगर दोबारा वही साइकिल में अब्यूज करो अपॉलोजाइज करो यही रास्ते पे चलना, डिस्ट्रक्टिव पॉलिसीज करना, आई एम वेरी स्केर्ड टू थिंक प्रोबेबली इज बिकमिंग द डूम्सडे मैन फॉर इंडिया। एमओयू करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एपीएमसी मार्केट और कृषि बिल के बारे में बात करते हुए कहा है, बहुत सारे मेंबर्स ने ये प्रश्न उठाया, मुझे याद है मैं सुनी कि एपीएमसी देश भर में कहीं ये तीनों कानून आने के बाद बंद हुआ है क्या, कहीं बंद नहीं हुआ। मैं मेरा एक्सपेक्टेशन के साथ अभी प्रश्न भी पूछ रही हूं, प्रूव इवन इफ वन एपीएमसी मंडी वॉज शट, नॉट वन वॉज शट बट यू आर स्टैंडिंग अप एंड स्पीकिंग। ऊपर से बजट में प्रावधान किया गया है दैट 30,000 crores विच विल बी कलेक्टेड थ्रू दैट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेट विल बी एक्चुअली बी गोइंग टू द स्टेट सो दैट एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इंप्रूव। हम ऊपर से फंड भी दे रहे हैं स्टेट को एपीएमसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं बोला, मगर फाउंडेशन लेते रहा फाउंडेशन ले करते रहा, भरे नहीं और वापस चले भी गए बिना चर्चा बजट के ऊपर। सर, ये बहुत सारे मेंबर्स ने ये प्रश्न उठाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।